परिचय रात को सोते समय मीना ने यह महसूस किया कि उसका बिस्तर हिल रहा है वो जागती है तथा देखती है कि उसकी मां घर से बाहर आने को बोल रही है उसके पापा उसके छोटे भाई को अपनी गोद में लेकर भाग रहे हैं वे सभी अपने घर से बाहर आ जाते हैं वो देखते हैं कि उनके पड़ोस के कई लोग पहले से ही वहां मौजूद थे बाहर खड़े होकर वे देखते हैं कि उनके घर की खिड़कियां तथा दरवाजे हिल रहे हैं मीना की माँ उसे बताती है कि ये भूकंप है उस रात वे सभी पार्क में बैठते हैं अगले दिन सुबह उसके पापा अखबार लाते हैं अखबार की मुख्य खबर शहर में भूकंप के बारे में थी बच्चों आओ आज हम प्राकृतिक विपत्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं उ सीखें प्राकृतिक विपत्तियों को परिभाषित करना प्राकृतिक विपत्तियों के प्रकारों की सूची बनाना प्राकृतिक विपत्तियों के प्रभाव की व्याख्या करना प्राकृतिक आपदा के दौरान बरतने वाली सावधानियों का सुझाव देना प्राकृतिक विपत्ति अगले दिन बीना स्कूल जाती है कक्षा के अन्य विद्यार्थी घटना के बारे में जानने को उत्सुक हैं। रश्मि नाम की एक विद्यार्थी मैडम से पूछती है मैडम मैं ये जानना चाहती हूँ कि कल रात को क्या हुआ था बच्चों हमने कल एक भूकंप का अनुभव किया था यह एक प्राकृतिक विपत्ति है ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जो किसी क्षेत्र पर घातक असर छोड़ देती हैं प्राकृतिक विपत्तियां कहलाती हैं भूकंप किंतु मैडम भूकंप क्यों आता है रश्मि जब पृथ्वी के नीचे कोई अचानक परिवर्तन होता है तो उससे पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट हिल जाती है जिसके कारण भूकंप आता है जब भूकंप आता है तो जमीन कांपने लगती है जब कंपन तेज होता है तो जमीन के कुछ हिस्सों में दरारें आ जाती हैं। भूकंप के प्रभाव मैम क्या भूकंप के दौरान इमारतों की दीवारें भी गिर जाती हैं? हाँ यदि इमारतें कमजोर होती हैं, तो इमारतों तथा घरों को भारी नुकसान होता है मनुष्य तथा जंतु घायल हो सकते हैं यहाँ तक कि मर भी सकते हैं संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचता है यहाँ तक कि भारी भूकंप के दौरान बांधों में भी दरारें आ जाती हैं तथा वे टूट जाते हैं बांधों के टूटने के परिणाम स्वरूप बाढ़ आ जाती है प्राकृतिक विपत्तियों के प्रकार मैडम क्या भूकंप के समान और भी प्राकृतिक विपत्तियां हैं हाँ रश्मि प्रकृति में और भी कुछ विनाश वाली घटनाएं जैसे बाढ़ सूखा तथा चक्रवात आदि होते हैं ये प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। बिजली गिरना सुनामी तथा भूस्खलन भी प्राकृतिक आपदाएं ही हैं। मैडम हम इन सभी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं बाढ़ अब मैं तुमको बाढ़ के बारे में बताती हूँ क्या तुम्हें पता है कि भारी वर्षा के कारण बाढ़ आती है जब अधिक तथा तेज वर्षा होती है तो नदियों में आवश्यकता से अधिक पानी हो जाता है तथा वह बाहर आ जाता है जिससे आसपास का क्षेत्र डूब जाता है पानी घरों दुकानों सड़कों खेतों आदि में घुस जाता है तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है बाढ़ जीवन तथा संपत्ति दोनों को ही नष्ट कर देती है लोग बेरोजगार हो जाते हैं तथा वो शहरों की तरफ प्रस्थान करने लगते हैं तथा वहां जाकर वे मजदूरी करने लगते हैं सूखा अब हम ये जानते हैं कि अधिक वर्षा होने पर बाढ़ आ जाती है अब जरा सोचिए तब क्या होता है जब बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है हाँ इससे एक अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है जो कि सूखा कहलाता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूखा तब पाया जाता है जब बहुत कम वर्षा हो या बिल्कुल भी वर्षा न हो सूखे के दौरान नदियां तालाब कुएं तथा अन्य जल संसाधन सूख जाते हैं खेती के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता है यहां तक कि पीने का पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता है इसमें अनाज तथा पानी दोनों की ही कमी हो जाती है चक्रवात बच्चों क्या तुम जानते हो कि चक्रवात क्या होता है चक्रवात में चक्रीय हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं। बहुत अधिक वेग से चलने वाली तेज हवाएं रास्ते में आने वाली सभी चीजों जैसे पेड़ों घरों बिजली के खम्भों आदि को तहस नहस कर देती हैं। चक्रवात विशेषतः समुद्र के किनारे वाले भाग में आते हैं आकाशीय बिजली बच्चों तुम जानते ही हो कि आकाशीय बिजली भी एक प्राकृतिक आपदा ही है बरसात के मौसम में जब आकाश काले बादलों से घिरा होता है हम आकाश में बिजली कड़कते हुए देखते हैं बिजली इमारतों पेड़ों या मैदान पर गिर सकती है जिस स्थान पर बिजली गिरती है उस स्थान की सभी वस्तुएं जल जाती हैं। बिजली गिरने से कभी कभी जीव जंतुओं यहाँ तक कि मनुष्यों की भी मृत्यु हो जाती है आओ खेलें। सही विकल्प को उठाकर रिक्त स्थानों को भरें। भूस्खलन बच्चों स्क्रीन पर एक चित्र दिखाया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि मिट्टी ढलान से नीचे गिर रही है जब ऊंचे पहाड़ों से घाटी में बड़ी मात्रा में मिट्टी तथा चट्टाने गिरती हैं तो भूस्खलन कहलाता है भूस्खलन होने पर पहाड़ी क्षेत्र के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं कुछ लोग घायल हो जाते हैं तथा कुछ मर भी जाते हैं सुनामी बच्चों आपने सुनामी के बारे में अवश्य सुना होगा समुद्री लहरों की एक बहुत लंबी तथा ऊंची श्रृंखला सुनामी कहलाती है यह समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों तथा उनकी संपत्ति को बहुत भारी नुकसान पहुंचाती है पानी के नीचे भूकंप भूस्खलन तथा ज्वालामुखी के फटने के कारण उत्पन्न होने वाली समुद्री लहरों की श्रृंखला सुनामी कहलाती है ये लहरें 30 मीटर ऊंची तथा 200 किलोमीटर तक लंबी हो सकती हैं तथा 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं बाद के प्रभाव तथा राहत बाढ़ सूखा तूफान भूकंप बिजली गिरना भूस्खलन तथा सुनामी ये सभी प्राकृतिक विपत्तियां हैं इन्हें रोका नहीं जा सकता ये भारी नुकसान पहुंचाते हैं इसके परिणाम स्वरूप बहुत अधिक क्षति पहुंचती है ये याद रखना अति आवश्यक है कि जब ये प्राकृतिक विपत्तियाँ आएं तो पहले लोगों को बचाना चाहिए तथा उसके बाद अन्य चीजों तथा संपत्तियों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए जो कि पुनः भी बनाई जा सकती है सरकार प्राकृतिक आपदा समिति बनाकर भी प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित लोगों की सहायता करती है ये समिति ऐसी घटनाओं के घायलों को सहायता प्रदान करती है देश के उत्तरदायी नागरिक होने के नाते हम जो भी कर सकते हैं वो करना चाहिए उसके द्वारा हमें सरकार की सहायता करनी चाहिए आओ खेलें। कॉलम क का कॉलम ख से मिलान करें हमने क्या चर्चा की जब पृथ्वी के नीचे कोई अचानक परिवर्तन होता है तो उससे पृथ्वी की पपड़ी हिल जाती है जिसके कारण भूकंप आता है जब अधिक तथा तेज वर्षा होती है तो नदियों में आवश्यकता से अधिक पानी हो जाता है तथा वह बाहर आ जाता है जिससे आसपास का क्षेत्र डूब जाता है सूखा तब पाया जाता है जब बहुत कम वर्षा हो या बिल्कुल भी वर्षा न हो सूखे के बाद अनाज तथा पानी की कमी हो जाती है तेज चक्रीय हवाओं का बहुत अधिक वेग से चलना चक्रवात कहलाता है चक्रवात रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तहस नहस कर देता है चक्रवात विशेषतः समुद्र के किनारे वाले भागों में आता है बिजली तब कड़कती है जब आकाश में काले बादल घिर आते हैं जब बिजली गिरती है तब सब कुछ जला देती है जब ऊंचे पहाड़ों से घाटी में बड़ी मात्रा में मिट्टी तथा चट्टाने गिरती हैं तो यह भूस्खलन कहलाता है पानी के नीचे भूकंप भूस्खलन तथा ज्वालामुखी के फटने के कारण उत्पन्न होने वाली समुद्री लहरों की श्रृंखला सुनामी कहलाती है